नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश जैन, कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से। तो आज चर्चा करते हैं डायबिटीज़ की और इसके हृदय रोगों से संबंध के बारे में। डायबिटीज़ कहते हैं कि डायबिटीज़ जब डिटेक्ट होती है उसके 2-3 साल पहले से बॉडी में होती है। चूँकि हम रेगुलरली इसका टेस्ट नहीं करते हैं इसलिए हमको पता नहीं चलता है। इसलिए डायबिटीज़ पर नियंत्रण के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ का अधिक रिस्क है, जैसे कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनको कि मोटापा है, जिनको कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, वो रेगुलर एटलीस्ट 6 मंथली या तो कम से कम साल में एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c की जाँच ज़रूर कराएँ, जिससे कि हम डायबिटीज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। एक बार हमको पता चल जाता है कि डायबिटीज़ है तो इससे घबराने का नहीं है। इसका इलाज आसान है, पर इसका इलाज जो है एजुकेशन में छुपा हुआ है। डायबिटीज़ का सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, डायबिटीज़ को समझना है। जब तक हम डायबिटीज़ की पैथोलॉजी कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इसके इलाज के क्या क्या तरीके हैं, जब तक मरीज स्वयं एवं मरीज की फैमिली, मरीज का परिवार इस चीज़ को नहीं समझेगा, तब तक हम डायबिटीज़ का बराबर से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बजाय डायबिटीज़ का एजुकेशन बोलते हैं। तो हमको, यदि किसी को भी, हमको, आपको, आपके परिवार में, आपके मित्रों, किसी को यदि डायबिटीज़ होती है तो हमको उसके बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहिए। फिर हमको उसका रेगुलर टेस्ट करना चाहिए। हमको जो ब्लड शुगर है उसको एक लेवल में रखना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 130 के बीच में रखना है। खाने के बाद वाली ब्लड शुगर 140 से 180 के बीच में रखना है। HbA1c 6 से 7 के बीच में रखना है। हमको अपना वजन नियंत्रण में रखना है। हमको यदि ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखना है। हमको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पीरियडिकली चेक कराना है, उसको कंट्रोल में रखना है। हमको नियमित रूप से अपने गुर्दे की जांच, अपनी आँखों की जांच और अपने नसों की जांच, ये यदि हम कराते रहेंगे और डॉक्टर की सलाह से जो भी उपयुक्त मेडिसन्स हैं, जो भी दवाइयां हैं उसकी, वो लेंगे और डॉक्टर्स के द्वारा बताया हुआ, डाइटिशियन के द्वारा बताया हुआ यदि हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस बीमारी के साथ जैसे सभी लोग रहते हैं वैसे रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के रह सकते हैं। तो मित्रों, आज संकल्प लें कि हम नियमित रूप से अपना ब्लड शुगर का टेस्ट कराएंगे और यदि हमको ब्लड शुगर या डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, या हमारे किसी जानने पहचानने वाले को, हमारे फैमिली वाले को, तो हम उसको डायबिटीज़ के लिए शिक्षित करेंगे। उसको डायबिटीज़ से लड़ना तो नहीं बोलूँगा, डायबिटीज़ के साथ जीने के लिए उसको प्रेरित करेंगे और एक खुशहाल और नॉर्मल लाइफ जिएंगे। नमस्कार।